का हो रहा है भाई बिहार में, कहीं कोई शिक्षक कोई रसोईया के पकड़ के चुम्मा चाटी करे लगता है। तो कल ही एगो खबर देखे थे, कल एगो वीडियो भी देखे थे जेकरा में नारायणा क्लासेस खुलेआम नचनिया का प्रोग्राम करवा रहा है, मतलब कि स्टेज शो करा रहा है। लेकिन जानते हैं उससे पहले इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो भी वो सरकारी स्कूल के है, साथ में जो आदमी है वो शिक्षक है और जो ऑफिस होता है ना सरकारी स्कूल के जेकरा में हेडमास्टर बैठता है और हो सकता है कि आदमी हेडमास्टर ही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ काम धाम करते हुए, मतलब कि शायद इसको घर में ऐसा नहीं मिलता होगा, पत्नी मर गई होगी। इतना शुद्ध स्थल को, पढ़ाई का केंद्र को, पाठशाला को इतना गंदा माहौल में ढालने का कोशिश कर रहा है। और जो साथ में जो औरत दिख रही है ये वो रसोईया है, मतलब सरकारी स्कूल में खाना बनाने के लिए लोगों को रखा जाता है, जो खाना बना के बच्चों को खिलाती है वही रसोईया है, और इसका काम खाना बनाना और बच्चों को खिलाना है। अब उसके साथ कैसा कैसा काम करते नजर आ रहा है शिक्षक, ये आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और बाकी सवाल है उलैकन से जो नारायणा क्लासेस में पढ़ते हैं, मजा तो ढेर आता होगा तुम लोग के भाई, ऐसा क्लास में पढ़ते हो भाई जहाँ एकदम खुलेआम लौंडियाबाजी होता ही रहता है हर साल। लोग इस साल देख के, क्योंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे आज के दिन में तो सब वायरल तुरंत हो जाता है, तो इस साल का वीडियो देख के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पहला बार था। लेकिन नहीं, आज से 5 साल पहले भी नारायणा क्लासेस के फेयरवेल जब होता था ना तो ऐसा ही अश्लील डांस होता ही रहता था। आज कोई नया नहीं है, हाँ साथ साथ बदलाव बस एगो है कि पहले हिंदी गाना पे डांस होता था और अब भोजपुरी के अश्लील गाना पे डांस हो रहा है। अब कोरम में गोदी में उठा के डांस किया जा रहा है, पहले थोड़ा सा चिपक के होता था, आज हाथ पे चुम्मा लेके डांस करवाया जा रहा है नारायणा क्लासेस में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस चिपका चिपकी होता था, बाकी चीजों से थोड़ा सा दूर था। लेकिन आज पूरे के पूरे हर एक चीज भूल गया है नारायणा क्लासेस वाला डायरेक्टर। और आप लोग जब तक बहिष्कार नहीं कीजिएगा इस टाइप के क्लासेस का, तब तक तो ये होता रहेगा। काहे कि इतना बड़ा जुरत कौन कर सकता है भाई, आज से 5 साल पहले ही नचवाया गवाया था, तो आज 5 साल बाद 2022 में हमको तो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हम इंडिया में ही हैं। अरे 2022 ही चल रहा है ना, हमको तो लगता है कि 2080-85 आ गया कि ऐसा माहौल ये तो होना है एक दिन, निश्चित है। क्या कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रहा है ना, उस तरह से तो ऐसा एकदम नामुमकिन तो है नहीं, ऐसा तो होगा आगे चल के, लेकिन इतना जल्दी होगा ये विश्वास नहीं था। तो आप लोग बाइकॉट अब तो कम से कम कर दीजिए, उस समय धारा पकड़ी में आप लोग बाइकॉट नहीं कीजिए थे इस सब चीजों का, तो कम से कम अब कर दीजिए। काहे कि अब क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ डांस नहीं, डांस के बहाने लड़कियों के शरीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनको घर परिवार से शायद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि बेटी तू जा कहीं भी सूत जा, हमको कोई मतलब नहीं है तुमसे, शायद ऐसा ही होता होगा। अरे भाई एगो मनोरंजन इंटरटेनमेंट फेयरवेल या एनुअल फंक्शन में होता है, लेकिन उसका भी कोई एक सीमा होता है, ऐसा नहीं कि खुला खुली ऑर्केस्ट्रा करवा दिए। अरे भाई थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि तुम उन लड़कियों का कितना नुकसान कर रहे हो, इज्जत तो गया सो गया ही, लेकिन एक और नुकसान, कम से कम ऑर्केस्ट्रा वाली डांस करने आती है तो कुछ पैसा भी लेती हैं, यहाँ पे तो तुम उससे भी खत्म कर दे रहे हो ना। यहाँ पे ना तुम पैसा दे रहे हो, फ्री में डांस करवा ले रहे हो और खुद तो एंटरटेन कर ही रहे हो पीछे में बैठ के, और आगे जनता जितना भी देख रहा है, जितने लोगों का पेरेंट्स देख रहे हैं, उन लोगों का भी एंटरटेनमेंट फ्री में करा रहे हो, कहीं से उनको भी कोई चंदा देना नहीं पड़ रहा है। वही क्लासेस में उन लोगों की बेटी भी पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है, तो फी जितना वो पे करते हैं उतना में ही ये वाला मनोरंजन लुप्त में उठा रहे हैं भाई। तो ऐसा क्लासेस बिहार में है और बिहार के औरंगाबाद में है, और दुख की बात यह है कि औरंगाबाद के लोग बस फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, जो सामने से सब कुछ देखते हुए भी इग्नोर कर दे रहे हैं सब चीजों का। कहीं ना कहीं आप लोग ही क्षेत्र के लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ रहने वाले ही अगर इन सब चीजों का बहिष्कार नहीं कीजिएगा तो ये क्लासेस हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा और हमारे बिहार में हर जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा ये सब चीज। जैसे कि अभी आपको इस वीडियो को दिखाएं, इस वीडियो में भी इसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है, जो स्टेज शो से थोड़ा सा ज्यादा है, स्टेज से थोड़ा सा कम है। बाकी बहिष्कार कीजिए इन सब चीजों का। तब तक ले नमस्कार प्रणाम, जय मगध जय बिहार।